कभी कभी हौसले को यह समझ नहीं आता कि उसे अपनी हदें पार नहीं करनी चाहिए। तब खौफ समझ जाता है। क्या फिल्म गेम चेंजर के मेकर्स ने किया फिल्म जवान को कॉपी? फिल्म के गानों पर क्यों खर्च किए गए इतने करोड़? हेलो फ्रेंड्स, मैं श्रुति और आप देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट चैनल बॉलीग्रैंड स्टूडियोज। फिल्म आरआरआर के बाद टॉलीवुड एक्टर रामचरण अपनी हाईली एंटिसिपेटेड फिल्म के साथ लौट रहे हैं जिसका नाम है गेम चेंजर। इस फिल्म में उनके साथ दिखाई देने वाली है बॉलीवुड एक्ट्रेस कियारा आडवाणी। वैसे रामचरण फादरहुड ब्रेक के बाद फिर से शूटिंग के लिए तैयार हो चुके हैं। वैसे ये गेम चेंजर बनेगी कि नहीं, ये बात तो बाद में आती है, पर पहले तो इस फिल्म के डायरेक्टर शंकर ने सबको हक्का बक्का कर दिया है अपने एक बड़े फैसले से। हक्का बक्का करने के पीछे वजह है फिल्म के गानों पर 90 करोड़ रुपए खर्च करना। वैसे तो जवान फिल्म में भी एक गाने के लिए 15 करोड़ बहाए गए हैं, बाकी गाने से फिल्म का हाइप बढ़ सके। अब फिल्म जवान के डायरेक्टर हैं एटली कुमार, यानी कि साउथ डायरेक्टर। लगता है अब साउथ डायरेक्टर्स इस तरह के आइडियाज को ही बरकरार रखने वाले हैं। वैसे 90 करोड़ में एक पूरी फिल्म भी बन जाएगी, पर यहाँ पर सिर्फ गानों पर ही इतना पैसा बहाया जा रहा है। वैसे ही डायरेक्टर शंकर का कहना है कि गाने इस फिल्म की शान है, तो उसे ग्रैंड लेवल पर रखना काफी ज्यादा जरूरी है और ऑडियंस को ये म्यूजिकल एक्सपीरियंस काफी पसंद भी आएगा। इस फिल्म में टोटल 5 गाने होंगे जिस पर 90 करोड़ रुपए लगाए गए हैं। म्यूजिक डायरेक्टर एस थामन, जिन्होंने अपना करियर बेस्ट ट्यून्स एंड बैकग्राउंड स्कोर्स के साथ बरकरार रखा है, वो इस फिल्म के साथ जुड़े हैं। वैसे इस फिल्म के गाने दमदार इसलिए होंगे क्योंकि यहाँ पर हमें कोरियोग्राफी करते हुए दिखेंगे जानी मास्टर एंड प्रभुदेवा। इस एक्शन ड्रामा फिल्म में कियारा आडवाणी और रामचरण की जोड़ी सबको खूब इम्प्रेस करेगी, ये भी तय है। पर अभी तक इस पैन इंडिया फिल्म की रिलीज डेट अनाउंस नहीं हुई है, पर फिल्म 2024 में आएगी ऐसा कहा जा रहा है। तो आप कितने एक्साइटेड हैं इस करोड़ रुपए द्वारा बहाए गए गानों को देखने के लिए? अपनी राय हमें बताइए कमेंट सेक्शन में, और जाते जाते इस वाले वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, और मुझे यानी कि श्रुति को दीजिए इजाजत। नमस्कार।